नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे हो, सेफ हो। आज हम लोग एक इंडो चाइनीज़ रेसिपी बनाने वाले हैं, वो भी फ़िश का। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं चिली फ़िश, एंड आई प्रॉमिस ये बहुत कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। सो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पहले लिया है ये कॉस फिश, इसे इंग्लिश में पेंगेसियस बोलते हैं। आप लोग कोई भी बड़ा फ़िश ले सकते हो जिसमें कांटे कम हो। और इस फिश को हमने नमक और हल्दी थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर से फ्राई कर लिया है। फिर हमने लिया है डाइस्ड कैप्सिकम, डाइस्ड अनियन, फिर हमने लिया है ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, और इसमें हमने थोड़ा सा हरी मिर्ची भी ऐड कर दिया है। फिर हमने ये मिक्सचर लिया है सॉस का, इसमें हमने डार्क सोया सॉस और टमेटो केचप को मिक्स किया है, फिर नमक, और फिर हमें चाहिए ब्लैक पेपर पाउडर। सो पहले हमने ये पैन लिया है और हमने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है, ये गरम हो चुका है। आप लोग चाहो तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हो। पहले हम हमारा जो जिंजर गार्लिक है जिसको हमने ग्रेट करके रखा था अच्छे से, वो डालेंगे। और इस जिंजर गार्लिक में हमने हरी मिर्ची भी डाला है बारीक काट के, ये हमने ऐड कर दिया। अभी इसे अच्छे से हमें इसे फ्राई करने देना है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है तब तक हमें इसे फ्राई करना है। ऐसे आप लोग देख सकते हो, फ्लेम को आप लोग मीडियम लो ही रखिए गैस का। उसके बाद आप लोग देख सकते हो करीब 3-4 मिनट्स के बाद ये इस हमारे जिंजर गार्लिक और मिर्ची ने कलर चेंज कर लिया है। और अभी इसी वक्त हम इसमें हमारे जो डाइस्ड अनियन थे वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा टाइम इसे फ्राई करना है, और फिर हम इसमें हमारे जो डाइस्ड कैप्सिकम थे वो हम ऐड कर देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। तो अभी हम इसमें लिड लगा देंगे करीब 2-3 मिनट के लिए। सो करीब 2-3 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हो जो हमारे अनियन थे और कैप्सिकम थे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। ये इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इससे कलर थोड़ा सा फेड हो जाएगा कैप्सिकम का। अभी हम इसमें हमारा जो सॉस का मिक्सचर था वो हम ऐड करेंगे। इसमें हमने डार्क सोया सॉस और टमेटो केचप दिया है, दोनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमने डाल दिया है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के टाइम पे थोड़ा सा केयरफुली डालिएगा, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता ही है, तो अगर हम आप लोगों ने ज़्यादा डाल दिया तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। अभी हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। ये थोड़ा सा हमें पानी ऐड करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ग्रेवी टाइप का होगा। ये हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है ये, और अभी हम हमारे फ़िश को ऐड कर देंगे। फ़िश को हमने पहले से ही फ्राई करके रखा था, थोड़ा सा नमक हल्दी और कॉर्नफ्लावर डाल के मिक्स करके फिर हमने फ्राई कर लिया था। अभी हमें इसे लिड लगा के कम से कम 5-6 मिनट्स रखना है, जब तक पानी में उबाल नहीं आ जाता है। सो 5-6 मिनट्स के बाद आप लोग देख सकते हो पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्लरी ऐड करेंगे। हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम कॉर्न स्लरी इसमें ऐड करेंगे, इससे क्या होगा जो हमारा ग्रेवी है वो थिक बनेगा। सो ये अच्छे से मिक्स करना है हमें। मिक्स करने के बाद अभी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे कुक होने में, बस
3-4 मिनट्स के लिए हम लिड लगा के छोड़ देंगे। सो 3-4 मिनट्स के बाद आप लोग देख सकते हैं जो ग्रेवी था वो थिक हो गया है और हमारा चिली फिश बिल्कुल रेडी है। आप लोग देखिए कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा बना है। सो गाइज, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हमारा चिली फिश बहुत कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट में बन जाएगा, तो आप लोगों ने भी देखा कि एक्चुअली में ये कितना कम टाइम और कम इंग्रेडिएंट में बन गया है। और ट्रस्ट में इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग चाहो तो अभी इसमें स्प्रिंग अनियन या फिर हरा धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो, इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आता है। गाइज, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपके लिए नेक्स्ट क्या बनाएं, क्या रेसिपी आप लोग चाहते हो देखना, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर ट्राई करेंगे बनाने के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।